द्वेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर के द्वारा आपको ये क्लास से भेजी जा रही है। आज हम क्लास 10 के पाठ 14 का ही कुछ आगे भाग पढ़ेंगे, जिसे कि हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का नाम क्या है? एपीकल्चर। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन होता क्या है? मधुमक्खियों को पालकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेना। मधुमक्खियों को पालना और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेना कहलाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अब हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे आपने नोए में पढ़ा होगा कि मधुमक्खियों की कुछ नस्लें होती हैं, जैसे एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, लेकिन हमें है नहीं तो नहीं पढ़ना है भी। मधुमक्खी पालन को क्या कहा? एपीकल्चर। मधुमक्खी किसे पालन किसे कहते हैं? मधुमक्खियों को पालकर क्या प्राप्त करना? आर्थिक लाभ। अब मधुमक्खी पालन के लाभ के क्या क्या लाभ है मधुमक्खी पालन के? तो मधुमक्खी पालन का पहला लाभ होता है, मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है पुष्प पर। परागण क्या होता है? परागण होता है पुष्प के पराग कणों का, पुष्प के पराग कणों का वर्तिका पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है जी परागण। तो मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है, और परागण की क्रिया में सहायक होने के कारण, परागण करने के कारण यह फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। मधुमक्खी पालन का पहला लाभ क्या हुआ? मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है और परागण की क्रिया द्वारा फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। दो नंबर, मधुमक्खी से मधु यानी शहद प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होता है, और जितनी भी औषधियां होती है लगभग आयुर्वेदिक, उनमें शहद का उपयोग बताया जाता है। तो शहद का एक उपयोग होता है औषधि निर्माण में, तथा दूसरा शहद मिलाकर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वह वस्तु लंबे समय तक खराब नहीं होती है भी। तो क्या हुआ मधुमक्खी पालन का दूसरा लाभ? इससे शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि व खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाला। तो इसका उपयोग मधुमक्खी पालन का, उससे शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग, शहद का उपयोग होता है औषधि व खाद्य परिरक्षक में। तीसरा जो उपयोग होता है, लाभ होता है मधुमक्खी से मधुमोम यानी बी वैक्स प्राप्त होता है। मधुमक्खी से मधुमोम प्राप्त होता है जिनका उपयोग अनेक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो हमने पढ़ा मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है? मधुमक्खियों को पालकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना मधुमक्खी पालन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा मधुमक्खियों के लाभ, मधुमक्खी पालन के लाभ क्या है? तो मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। दो नंबर, मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि व खाद्य परिरक्षक में किया जाता है। तीन नंबर, मधुमक्खियों से मधुमोम प्राप्त होता है। फिर हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि परागण क्या होता है? पुष्प के पराग कणों का, पुष्प के किसका बेटा जी? पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में आपने पढ़ा होगा असील, व्हाइट लेगहॉर्न। तो मुर्गी पालन को कहा जाता है पोल्ट्री। मुर्गी पालन को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री। और पोल्ट्री से यानी मुर्गी पालन से हमें प्राप्त क्या होता है? एक तो अंडा और दूसरा मांस। और एक चीज याद रखना है, मुर्गियों के मांस को कहा जाता है चिकन। क्या कहा जाता है? जैसे गायों के मांस को बीफ कहा जाता है, उसी प्रकार मुर्गियों के मांस को कहा जाता है चिकन। तो मुर्गी पालन से हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो अंडा और दूसरा मांस। इसके अलावा इसके पंखों से अनेक सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, इसकी बीट जो है वो अनेक औषधियों के निर्माण में, खाद्य निर्माण में काम में आती है। फिर ये अंडा और मांस जो होता है ये कैसा भोजन होता है? प्रोटीन युक्त, यानी प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए इन भोजन को खाया जाता है। फिर मुर्गी पालन के लिए आप मुर्गियों को में वृद्धि करना चाहते हो, उनकी संख्या में और उनके शरीर में वृद्धि करना चाहते हो और उनको स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? एक तो उनको सुरक्षित आवास देना है ताकि दूसरे जो जीव है, पशु है, बिल्ली वगैरह है, उनको नष्ट न कर दें, यानी उनको सुरक्षित आवास प्रदान करना है। दूसरा उनको पौष्टिक भोजन देना है, और पौष्टिक भोजन के अंदर आपने क्या क्या देना है?
मक्का खिला सकते हो, जो खिला सकते हो, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि चीजों में से किसी को भी खिला सकते हो। तो हमने पढ़ा मुर्गी पालन, मुर्गी पालन को क्या कहा गया हम, पोल्ट्री, पोल्ट्री कहा जाता है मुर्गी पालन को। मुर्गियों से हमें अंडा मांस प्राप्त होता है, और मुर्गी के मांस को क्या कहा था हमने, चिकन। फिर अंडा और मांस कैसा भोजन होता है बेटा जी, प्रोटीन युक्त भोजन होता है। फिर मुर्गियों में वृद्धि व उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें एक तो उनको सुरक्षित आवास प्रदान करना है, दूसरा उन्हें पौष्टिक भोजन देना है, जिसके अंतर्गत हमें उन्हें मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं और क्या खिलाना है, ज्वार खिलाना है भाई। ठीक है, दो पढ़े हमने, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ठीक है, ऊन उद्योग या वुल इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री, वुल का अर्थ होता है ऊन और इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग। ऊन उद्योग के लिए किया जाता है भेड़ पालन, और भेड़ की कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है, लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। तो याद रखना है ऊन उद्योग के लिए किया जाता है भेड़ पालन, क्या किया जाता है, भेड़ पालन, और भेड़ की नस्लें हम पहले पढ़ चुके थे, वापिस से पढ़ रहे हैं। फिर है ऊन का रंग, यानी कोई भी ऊन प्राप्त होती है उसका रंग, उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, तो एक तो नस्ल यानी प्रजाति पर निर्भर करती है, भेड़ की प्रजाति पर, तथा उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। तो याद रखना है ऊन का रंग भेड़ व किस्म, भेड़ की नस्ल या प्रजाति पर निर्भर करती है, तथा उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। और हमारे राजस्थान का ऊन उद्योग में प्रमुख स्थान है, और आपको बता दिया जाए कि बीकानेर जो है वो सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ऊन उद्योग के लिए क्या किया जाता है, भेड़ पालन, भेड़ पालन की कौन कौन सी नस्लें, लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। फिर हमने पढ़ना है ऊन का रंग व ऊन की जो क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करती है, गुण जो गुणात्मकता है वो किस पर निर्भर करती है, नस्ल यानी प्रजाति तथा जलवायु पर निर्भर करती है, और राजस्थान का ऊन उद्योग में प्रमुख स्थान है। उसके बाद हमने पढ़ना है कुछ अन्य उपयोग भी हैं जीवों के, क्या क्या उपयोग है देखिए। जैसे शल्कीय कीट होता है, यह शल्कीय कीट कहां पे पाया जाता है, कैक्टस पर। इस शल्कीय कीट के सूखे शरीर से जब ये मर जाए, उसका शरीर सूख जाए, तो उससे टैनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त होते हैं। शल्कीय कीट कहां पे पाया जाता है, कैक्टस पर। इसके सूखे शरीर से क्या बनाया जाता है, टैनिन व कोकिनोल, और स्टेनिल व कोकिनोल का उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन के अंदर टेनिन व कोकिनोल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ब्लिस्टर ब्रिंग के से हमें कैंथराइडिन प्राप्त होता है, और कैंथराइडिन का उपयोग होता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। इसी प्रकार हमने याद रखना है कि शहद जो है वो अल्सर के इलाज के लिए काम में आता है, अल्सर का इलाज करना हो तो उपयोग में लिया जाता है शहद को। इसी प्रकार याद रखना है एक कोचिनिल कीट होता है, उसे प्राप्त होता है कार्मिनिल अम्ल, और कार्मिनिल अम्ल का उपयोग किया जाता है कुकर, खांसी में, और सिर व चेहरे की तंत्री के पीड़ा को दूर करने में। तो हमने पढ़ा शल्कीय कीट कैक्टस पे पाया जाता है, टैनिन व कोकिनोल इसके सूखे शरीर से बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग में लिया जाता है। ब्लिस्टर ब्रिंग से कैंथराइडिन प्राप्त होता है, बालों को झड़ने से रोकने के काम आता है। शहद का उपयोग किया जाता है अल्सर के इलाज के लिए, और लास्ट था कोची नील कीट से प्राप्त होता है कार्मेनिल, और उपयोग होता है कुक्कर, खांसी व तंत्र के पीड़ा को समाप्त करने में। धन्यवाद। द्वेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर के द्वारा आपको ये क्लास भेजी जा रही है। आज हम क्लास 10 के पाठ 14 का ही कुछ आगे भाग पढ़ेंगे, जिसे कि हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का नाम क्या है, एपीकल्चर, साइंस की भाषा में इसको कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन होता क्या है, मधुमक्खियों को पालकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेना। मधुमक्खियों को पालना और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेना कहलाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। अब हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे आपने 9वीं में पढ़ा होगा कि मधुमक्खियों की कुछ नस्लें होती हैं, जैसे एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, लेकिन हमें है नहीं तो नहीं पढ़ना है भाई। मधुमक्खी पालन को क्या कहा, एपिकल्चर। मधुमक्खी किसे पालन किसे कहते हैं, मधुमक्खियों को पालकर क्या प्राप्त करना, आर्थिक लाभ। अब मधुमक्खी पालन के लाभ,
कि क्या क्या लाभ है मधुमक्खी पालन के। तो मधुमक्खी पालन का पहला लाभ होता है, मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है पुष्प पर। परागण क्या होता है? परागण होता है पुष्प के पराग कणों का, पुष्प के पराग कणों का वर्तिका पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है जी परागण। तो मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है, और परागण की क्रिया में सहायक होने के कारण, परागण करने के कारण यह फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। मधुमक्खी पालन का पहला लाभ क्या हुआ? मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है और परागण की क्रिया द्वारा फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। दो नंबर, मधुमक्खी से मधु यानी शहद प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होता है, और जितनी भी औषधियां होती है लगभग आयुर्वेदिक, उनमें शहद का उपयोग बताया जाता है। तो शहद का एक उपयोग होता है औषधि निर्माण में, तथा दूसरा शहद मिलाकर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वह वस्तु लंबे समय तक खराब नहीं होती है भी। तो क्या हुआ मधुमक्खी पालन का दूसरा लाभ? इससे शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि व खाद्य परिरक्षक का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाला। तो इसका उपयोग मधुमक्खी पालन का, उससे शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग, शहद का उपयोग होता है औषधि व खाद्य परिरक्षक में। तीसरा जो उपयोग होता है, लाभ होता है, वो होता है मधुमक्खी से मधुमोम यानी बी वैक्स प्राप्त होता है। मधुमक्खी से मधुमोम प्राप्त होता है जिनका उपयोग अनेक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो हमने पढ़ा मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है? मधुमक्खियों को पालकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना मधुमक्खी पालन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा मधुमक्खियों के लाभ, मधुमक्खी पालन के लाभ क्या है? तो मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहायक होती है जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। दो नंबर, मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि व खाद्य परिरक्षक में किया जाता है। तीन नंबर, मधुमक्खियों से मधुमोम प्राप्त होता है। फिर हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि परागण क्या होता है? पुष्प के पराग कणों का, पुष्प के किसका बेटा जी? पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में आपने पढ़ा होगा असील, व्हाइट लेग हॉर्न। तो मुर्गी पालन को कहा जाता है पोल्ट्री। मुर्गी पालन को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री। और पोल्ट्री से यानी मुर्गी पालन से हमें प्राप्त क्या होता है? एक तो अंडा और दूसरा मांस। और एक चीज याद रखना है, मुर्गियों के मांस को कहा जाता है चिकन। क्या कहा जाता है? जैसे गायों के मांस को बीफ कहा जाता है, उसी प्रकार मुर्गियों के मांस को कहा जाता है चिकन। तो मुर्गी पालन से हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो अंडा और दूसरा मांस। इसके अलावा इसके पंखों से अनेक सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, इसकी बीट जो है वो अनेक औषधियों के निर्माण में या खाद्य निर्माण में काम में आती है। फिर ये अंडा और मांस जो होता है, ये कैसा भोजन होता है? प्रोटीन युक्त, यानी प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए इन भोजन को खाया जाता है। फिर मुर्गी पालन के लिए आप मुर्गियों को में वृद्धि करना चाहते हो, यानी उनकी संख्या में और उनके शरीर में वृद्धि करना चाहते हो और उनको स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? एक तो उनको सुरक्षित आवास देना है ताकि दूसरे जो जीव है, पशु है, बिल्ली वगैरह है, उनको नष्ट न कर दें, यानी उनको सुरक्षित आवास प्रदान करना है। दूसरा उनको पौष्टिक भोजन देना है, और पौष्टिक भोजन के अंदर आपने क्या क्या देना है? मक्का खिला सकते हो, जौ खिला सकते हो, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि चीजों में से किसी को भी खिला सकते हो। तो हमने पढ़ा मुर्गी पालन, मुर्गी पालन को क्या कहा गया? हम पोल्ट्री, पोल्ट्री कहा जाता है मुर्गी पालन को। मुर्गियों से हमें अंडा मांस प्राप्त होता है, और मुर्गी के मांस को क्या कहा था हमने? चिकन। फिर अंडा और मांस कैसा भोजन होता है बेटा जी? प्रोटीन युक्त भोजन होता है। फिर मुर्गियों में वृद्धि व उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें एक तो उनको सुरक्षित आवास प्रदान करना है, दूसरा उन्हें पौष्टिक भोजन देना है जिसके अंतर्गत हमें उन्हें मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं और क्या खिलाना है? ज्वार खिलाना है भी। ठीक है, दो पढ़े हमने, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ठीक है, ऊन उद्योग या वुल इंडस्ट्री। वुल इंडस्ट्री, वुल का अर्थ होता है ऊन और इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग। ऊन उद्योग के लिए किया जाता है भेड़ पालन। और भेड़ की कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है? लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनवाड़ी। तो याद रखना है ऊन उद्योग के लिए किया जाता है भेड़ पालन। क्या किया जाता है? भेड़ पालन। और भेड़ की नस्लें हम पहले पढ़ चुके थे, वापिस से पढ़ रहे हैं।
फिर है ऊन का रंग, यानी कोई भी ऊन प्राप्त होती है उसका रंग उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, तो एक तो नस्ल यानी प्रजाति पर निर्भर करती है, भेड़ की प्रजाति पर, तथा उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। तो याद रखना है ऊन का रंग भेड़ व किस्म, भेड़ की नस्ल या प्रजाति पर निर्भर करती है तथा उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। और हमारे राजस्थान का ऊन उद्योग में प्रमुख स्थान है। और आपको बता दिया जाए कि बीकानेर जो है वो सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ऊन उद्योग के लिए क्या किया जाता है? भेड़ पालन। भेड़ पालन की कौन कौन सी नस्लें? लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। फिर हमने पढ़ना है ऊन का रंग व ऊन की जो क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करती है, जो गुणात्मकता है वो किस पर निर्भर करती है, नस्ल यानी प्रजाति तथा जलवायु पर निर्भर करती है। और राजस्थान का ऊन उद्योग में प्रमुख स्थान है। उसके बाद हमने पढ़ना है कुछ अन्य उपयोग भी हैं जीवों के। क्या क्या उपयोग है देखिए, जैसे शल्कीय कीट होता है, यह शल्कीय कीट कहां पे पाया जाता है? कैक्टस पर। इस शल्कीय कीट के सूखे शरीर से जब ये मर जाए, उसका शरीर सूख जाए, तो उससे टैनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त होते हैं। शल्कीय कीट कहां पे पाया जाता है? कैक्टस पर। इसके सूखे शरीर से क्या बनाया जाता है? टैनिन व कोकिनोल। और स्टेनिल व कोकिनोल का उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन के अंदर टेनिन व कोकिनोल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ब्लिस्टर ब्रिंग के से हमें कैंथराइडिन प्राप्त होता है, और कैंथराइडिन का उपयोग होता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। इसी प्रकार हमने याद रखना है कि शहद जो है वो अल्सर के इलाज के लिए काम में आता है। अल्सर का इलाज करना हो तो उपयोग में लिया जाता है शहद को। इसी प्रकार याद रखना है एक कोचिनिल कीट होता है, उसे प्राप्त होता है कार्मिनिल अम्ल। और कार्मिनिल अम्ल का उपयोग किया जाता है कुकर खांसी में और सिर व चेहरे की तंत्री के पीड़ा को दूर करने में। तो हमने पढ़ा शल्कीय कीट कैक्टस पे पाया जाता है, टैनिन में कोकिनोल इसके सूखे शरीर से बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग में लिया जाता है। ब्लिस्टर ब्रिंग से कैंथराइडिन प्राप्त होता है, बालों को झड़ने से रोकने के काम आता है। शहद का उपयोग किया जाता है अल्सर के इलाज के लिए। और लास्ट था कोची नील कीट से प्राप्त होता है कार्मेनिल, और उपयोग होता है कुक्कर खांसी व तंत्रिका पीड़ा को समाप्त करने में। धन्यवाद।